उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ पसरा हुआ है। अब तक आदमखोर भेड़िये 9 लोगों की जान ले चुके हैं। 30 गांव में दहशत और मातम। आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत करने के लिए 15 स्पेशल टीम्स दिन रात जंगलों की खाक छान रही हैं। एक एक कर आदमखोर भेड़ियों को पकड़ रही है। इस वक्त बड़ी खबर ये, बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ने में कामयाबी मिली और इस तरह अब तक 4 भेड़िये पकड़ लिए गए हैं। लेकिन इंसानों पर हमला करने वाले भेड़ियों के एक झुंड के 2 भेड़िये अभी भी पकड़ में नहीं आए, उनकी तलाश जारी। तो 2 आदमखोर भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। अभी तक 4 भेड़िये जो हैं वो पकड़ में आ चुके हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भेड़िया, चौथा भेड़िया जो आज पकड़ में आया है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। वन विभाग की कई टीमें हैं जो इस पूरे इलाके को कघालने में जुटी हुई हैं और यहाँ पर एक के बाद एक आदमखोर भेड़िये जो हैं वो अब वन विभाग की पकड़ में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी चुनौती 2 और भेड़िये बने हुए हैं, क्योंकि 2 भेड़िये ऐसे जो अभी भी पकड़ से बाहर हैं। इन भेड़ियों का दहशत ऐसी इस पूरे इलाके में फैली है कि फिलहाल इस पूरे इलाके में जो बच्चे हैं, माता पिता उनको अकेले घर से बाहर जाने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि स्कूल भी अब माँ बाप अपने बच्चों को भेजने से डर रहे हैं। दिखाते हैं आपको मौके से अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी की एक रिपोर्ट। वन विभाग की टीमों ने आदमखोर भेड़िये को पकड़ लिया है। भेड़िये की तस्वीरें हम दिखाते हैं यहाँ से। इस जाल के भीतर भेड़िये को कैद करके रखा है और यहाँ से लेकर के उसको सीधे लखनऊ जाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये काफ़ी सुरक्षा के साथ में, पूरी सिक्योरिटी के साथ में, पुलिस की गाड़ियों के साथ में ये पूरा काफिला जो है इस वक्त आगे जा रहा है और सुरक्षा के साथ में इस भेड़िये को लखनऊ ले जाया जाएगा। पूरे रास्ते में इस तरह से लोग जो हैं इस भेड़ियों को देखने के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि ये वही आदमखोर है जिसने यहाँ पर कोहराम मचाया हुआ था। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, बहराइच। और अब इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। आज जिस भेड़िये को पकड़ा गया उसे थोड़ी देर पहले DFO आवास पर लाया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है, आज जिस भेड़िये को पकड़ा है थोड़ी देर पहले उसे DFO आवास पर लाया गया। बहराइच से पकड़ा गया ये भेड़िया DFO आवास पर, अब इसे लाया गया है मेडिकल जांच। दरअसल यही DFO आवास पर इस भेड़िये की करवाई जाएगी। भेड़िये को ट्रैंकलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफ़ी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकलाइज भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। अभी हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। बाहर है वो हमारे ड्रोन, जो थर्मल ड्रोन है उसमें आए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय मौजूद हैं और जरा संजय से ही इसको समझते हैं कि अभी भी 2 भेड़िये ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आ पाए, ये कितनी बड़ी चुनौती बने हुए हैं और क्या इनको लेकर कोई एरिया अभी तक चिन्हित किया गया है वन विभाग की तरफ से कि इसी इलाके में अब ये सीमित हो सकते हैं 2 भेड़िये? देखिए रोमाना, पिछले कई महीनों से ये जो भेड़ियों का झुंड है वो चैलेंज बना हुआ था, एक के बाद एक अलग अलग गांवों में जाकर के वारदात कर रहा था, 8 बच्चों का कत्ल कर दिया, एक महिला को मार डाला और अब एक भेड़िया तो पकड़ लिया गया है लेकिन अभी फिलहाल 2 और भेड़िये बाकी हैं जिनको पकड़ा जाना है। फिलहाल तो वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी इस पूरे ऑपरेशन में लगे तो उनके चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान आई है, लेकिन अभी टफ टास्क ये बचा है कि 2 जो भेड़िये हैं उनको फिर से पकड़ के लाना है। मैं एक इस कोने से, मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह कहूँगा, इधर से एक बार तस्वीर भेड़िए की दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये जो भेड़िया है रोमाना, ये भेड़िया पकड़ा गया है, लेकिन जो वन के अधिकारियों का कहना है कि अभी इसकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी, ये वही भेड़िया तो नहीं जिसके पैर में कहीं दिक्कत है, उसके बाद में इसको गोरखपुर के चिड़ियाघर ले जाया जाएगा, क्योंकि पहले के 2
जो भेड़िए पकड़े गए थे, तीन क्षमा कीजिएगा, उनको बहराइच से लखनऊ के चिड़ियाघर में भेजा गया था, लेकिन अभी दो जो भेड़िए पकड़े जाने बाकी हैं वो कितना बड़ा चैलेंज है। अभिषेक जी, ये भेड़िया तो पकड़ लिया आप लोगों ने, लेकिन अभी दो भेड़िए पकड़ना बाकी है, क्या लगता है किस एरिया में हो सकते हैं? उसका एक ही स्थान है जहाँ पे आज पकड़े हैं सर लोग, और उसके पहले भी वहीं पकड़ा गया। सैया चूड़ामणी गांव के आसपास आगे है एक स्पॉट है, वहीं पे पकड़ा जाता है, वहीं पे संभावना रहता है। केज वगैरह, जैसे केज से आपने इसको पकड़ा है, ट्रेडिशनल जो आपका सिस्टम है पकड़ने का जानवरों को, कुछ नहीं नहीं हमें मैम का हमने चला दिया, आपसे जानना चाह रहे थे कि अभी और भी केज लगाए गए इस तरह? केज वहाँ दो तीन लगे हुए हैं, मैम ने बताया भी है, ट्रंकलाइज किया जाता है, उसके बाद केज में ट्रांसफर करके फिर उसको भेज दिया जाता है। तो ड्रोन कुछ सहायता कर पाया आपका? ड्रोन से ही सारी चीज़ें पता चलती हैं, उसका लोकेशन कहाँ है, और थर्मल ड्रोन यूज हो रहा है, थर्मल ड्रोन से सब कुछ पता चलता है। तो रात में चेक किया गया था, थर्मल ड्रोन था तो चूँकि रात में काम किया होगा तो रात में आइडेंटिफाई हो गया था? नहीं, दिन रात दोनों चलता है। रात की मेहनत है लगातार, जो भी थर्मल इमेजिंग कैमरा है, ड्रोन कैमरा है, अन्य जो भी कैमरे हैं उनकी मदद लेकर के इसे पकड़ा गया है, पहले ट्रैंकुलाइज किया गया है, उसके बाद ला करके बिल्कुल। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जो इलाके के अंदर दहशत पसरी हुई थी संजय इन भेड़ियों की वजह से, अब जाहिर सी बात है वो भी कुछ कम हो रही होगी, जिस तरीके से चार भेड़िए तो पकड़ में आ गए हैं और अब दो ही बाकी रह गए हैं। संजय, निश्चित रूप से रोमाना भेड़िए पकड़े जाने से दहशत कम होगी, क्योंकि यही वो आदमखोर भेड़िए हैं जो लगातार एक के बाद एक गांवों में जाकर के छोटे बच्चे मासूम बच्चों का शिकार कर रहे थे। अभी बहरहाल एक भेड़िया यहां पकड़ा गया है जो गोरखपुर के चिड़ियाघर जाएगा, लेकिन दो और भेड़ियों को पकड़ना जरूरी है इस पूरी दहशत को खत्म करने के लिए। उसके लिए जैसा कि वन विभाग के अधिकारी अभिषेक सिंह हमें बता रहे थे कि केजेस लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा, अन्य जो भी टेक्निक्स हो सकती है, इसके अलावा जो कॉम्बिंग है, मैनुअल कॉम्बिंग है, वो लगातार की जा रही है। अब वो कब पकड़े जाएंगे ये तो ये नहीं बता सकते, लेकिन ये दावा जरूर कर रहे हैं कि जहाँ से सिसैया चूड़ामणी गांव से इस भेड़िए को पकड़ा गया है उसके आसपास इलाके में ही अन्य दो भेड़िए छुपे हो सकते हैं, और उसको पकड़ने के लिए पूरे इंतजाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। रोमाना, बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। तो चार भेड़िए अभी तक पकड़ लिए गए हैं, दो भेड़ियों की अभी भी तलाश चल रही है।